कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरने के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। पहले वो सुनिए। राजनीति 40 साल से ऊपर की, आज तक ऐसा कभी हमने सरकार नहीं देखा। बहुत सरकार आई गई, अच्छे हुआ, कांग्रेस से भी गलती हुई, हम लोग भी आ रहे, हम मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन आज प्रश्न है कि पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी, नीतीश जी, हम लोग साथ थे, नारा लगाते थे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बनाओ, हिंदुस्तान में पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है। आज क्या हो गया? आज साइंस कॉलेज का, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र कोचिंग में पढ़ता है और हाजिरी बनाता है पटना यूनिवर्सिटी में। छात्रों का भविष्य चौपट है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको नौकरी नहीं है। पढ़ल लिखल नौजवान के तो कल्पना से बाहर की चीज़ है। जो पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर 1,75,000-50,000 दरमाहा पा रहा था, आज प्राइवेट सेक्टर में उसको 20,000-25,000 दरमाहा दे रहा है। ये पढ़ाई छात्रों ने इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए बैंक से लोन लिया है। बैंक का लोन 14% शिक्षा लोन, और 14,000 उसको मिल नहीं रहा है, कहाँ से शिक्षा लोन देगा। पटना के सदाकत आश्रम में धरने पर बैठे इन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। बिहार का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जिस साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का नाम एक समय में देश भर में काफ़ी मशहूर हुआ करता था, आज वहाँ पढ़ाई का आलम कुछ ऐसा है कि छात्र यहाँ केवल हाजिरी बनाने आते हैं।